शुबे आशूर की रात तमाम मोमिन अलादार हुसैन सबीलों का इंतज़ाम करते हैं, तमाम ज़ायर जो ज़ायरत पाते हैं ताज़ियों के इमामबाड़ों की, ताकि उनको सबील से सैराब किया जा सके। इमामबाड़े सज जाते हैं, लोग इमामबाड़ों की ज़ियारतें करने लगते हैं, ताज़िये इमाम चौक पर आ जाते हैं और लोग अपने अपने ताज़ियों पर नज़र मन्नत और तमाम जो ज़ियारत करने आते हैं ताज़ियों की आलम की, वो सब लोग नौ मुहर्रम की शब में निकलते हैं और तमाम जो हमारे मोमिन हैं जो ताज़िये रखते हैं वो सब बड़ा रोशनी का इंतज़ाम करते हैं और ये ताज़ियेदार हैं सब लोग अपना अपना गम मना रहे हैं अपने अपने अंदाज से। ये आत्माराम का ताज़िया है, हिंदू भाई हैं हमारे आत्माराम, लेकिन ताज़िये से इनको मौला हुसैन से बड़ी अकीदत है और ये हर साल ताज़िया रखते हैं, बड़ी ही अकीदत और बहुत ही मोहब्बत से हुसैन को मानते हैं। तो ये हुसैन से मोहब्बत है लोगों की। डॉक्टर राम कुमार शुक्ला ये भी कई सालों से ताज़िया रख रहे हैं यहाँ पर और मौला हुसैन से इनको बड़ी रहबत है। डॉक्टर राम कुमार शुक्ला उनका बेटा राजा शुक्ला, ये सब पूरी फैमिली रात भर जागती है, रात भर ताज़ियों की ज़ियारत बड़ा एहतमाम करते हैं मुहर्रम के नवरात और शिर सुबह तक के। और ये हमारी ताज़ियेदार तो ताज़िया और कुछ शब्बेदारी कर रहे हैं, कोई चाय की सबील कर रहा है, कोई शरबत की सबील कर रहा है, कोई दूध की शरबत, और इमाम बाड़ों में रोटी का इंतजाम होता है। तमाम लोग निकल पड़ते हैं हिंदू मुस्लिम भाई इमाम बाड़ों की ज़ियारत के लिए कि ज़ियारत की जाए, कि कल अशरे का दिन होगा, आज रोशनी होगी इमाम बाड़ों में, ताज़िये चबूतरों पे होंगे, आलम सजे होंगे, तो ये सब ज़ियारत के लिए लोग निकल पड़ते हैं इमाम बाड़ा निज़ारत के लिए, ताज़िये रखे हुए लोगों के अपने अपने चबूतरों पर। रोज़ा शुबा यही ताज़िये से करबला पहुँच जाएंगे। आज के सब जितना मातम कर लें, जितना नोहे खानी कर लें, जितना नज़र कर लें, जितना तस्बीह पढ़ लें, ये लोगों की अकीदत मौला हुसैन से। और ये देखें छोटे मामबाड़े के पास से ताज़िये ताज़ियेदार सब अपने अपने ताज़ियों के पास सब तमाम अमीन यहाँ पर मौजूद लोगों की सबीलें कर रहे हैं, लोगों को तमाम ज़ियारतें कर रहे हैं अपने अपने अंदाज से। ये गरीब का है ताज़िया और ये शाहिद हुसैन साहब के यहाँ पर ताज़िया। शब आशूर आई, हुसैन के सर कटाने की यही एक रात है बाकी, हरम पर आफत आने की यही एक रात है बाकी, सर अपना पीठ के ज़ैनब यही कहती है रो रो कर हमारे खाक उड़ाने की ये रात है बाकी। किशय आबिद से कहते थे कि तुम साबिर के पोते हो, मुसीबत तुम पे आने की यही एक रात है बाकी। शय बेकस ये कहते थे बैन अल्लाह हाफिज है तुम्हें आफत आने की यही एक रात है बाकी। असर को सर कटाएंगे और अपना घर लुटाएंगे, उम्मत बख्शवाने की यही एक रात है बाकी। हुसैन के सर कटाने की यही एक रात है बाकी, हरम पर आफत आने की यही एक रात है बाकी।